वाओ, मेरे सामने गाइस चंदन के पेड़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस एक ब्लॉगर की जिंदगी, बट मैं इसको लगा नहीं पाई क्योंकि मैं तो घास लेके नहीं जा रही हूँ, मोए मोए। पर मुझे ये नहीं पता था कि पांगटी क्या होती है। अब ये देखो, ये होता है ब्यूल, इसमें इंसान रहते हैं और खेतों की रखवाली करते हैं। इस पेड़ से, ये जो पेड़ है यहाँ से गिरे थे मम्मी यहाँ पर। तो अभी हम कहीं जा रहे हैं, सुबह हुई है और सो के उठी हूँ मैं थोड़ी देर पहले, ब्रेकफास्ट किया, मुंह भी धोया है और अभी मम्मी ने बोला कि मेरे साथ तुमने घास लेने चलना है। मैं कहा हाँ बिल्कुल चलेंगे, और चेतन भी जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ। घास काटना तो मुझे आता है, बट वो जो ब्यूल होता है ना, ब्यूल काटना नहीं मुझे आता। मतलब अरकी वाले तो समझो योगे भी हूँ, क्या बोलना चाहूँगा कि ब्यूल क्या हो, मतलब उसका तो पता ही होना। बाकी औरों को जिनको नहीं पता उनको आज मैं बताऊंगी कि ब्यूल क्या होता है और कैसे उसको काटा जाता है दराट की सहायता से। और ब्यूल को वैसे जूट जूट भी बोलते हैं। अच्छा, ब्यूल को जूट भी बोलते हैं। ओके, जूट के बैग भी बनते हैं। तो यार हमारे पास हथियार कौन कौन से, जरा दिखाना। दाची है और दाची। ये देखो, ये हथियार जिससे मेरी उंगली कटी थी वो हथियार है दराटी। दराट दिखाओ, दिखाओ ना फौजी कपड़ा। तो ये बहुत खतरनाक लगता है मेरे को, क्योंकि ये मेरे को भारी लगता है और इससे मेरे से ब्यूल छीना नहीं जाता। मतलब आसरी अरकिया बोलो कि ब्यूल छीननी नहीं होता, ब्यूल छीनना, ठीक है। और ऐसे बोलते हैं कि घास काटना ही बोलते हैं, तो वो मुझसे नहीं हो पाता क्योंकि मुझे बहुत भारी लगता है। सो या मैं, अगर मुझे घास काटने को मिल जाएगा नीचे तो मैं वो काट लूँगी, बाकी मम्मी और चेतन ब्यूल छीनेंगे और फिर हम घास वगैरह लेके घर को आएंगे। और मैं कब से मम्मी को बोलूंगी, मैं कहा मम्मी मुंह जैसा दो तो धोने दो मेरे को, खुद इतना टाइम लगा रहे हर काम में और मेरे को मुंह तक नहीं धोने दिया। मम्मी बोलते को जंगल में कौन ही देखेगा, व्लॉग तो बना रही हूँ इसलिए व्लॉग में जो ऑडियंस वो तो देखेगी। ये देखो मिस्टर चेतन लुथरा, मिस्टर भद्रकाली, मिस्टर भद्रकाली हमारी इष्ट देवी। और पटवारी आया है यहाँ पे, देखो बड़े दिन बाद दिखा है, तो पटवारी के जो फैंस है आप में से उनको मैं दिखा देती हूँ, पटवारी के दर्शन करवा देती हूँ। ये देखो पटवारी, हाय। और ये देखो पापा आए, हाय करो पापा। कहाँ जा रहे हो आप? बस काम में। बाय पटवारी। पापा संगाल आने जा रहे, ठीक है पापा बाय, हम घास लेने जा रहे। ये देखो ये खतरनाक खतरनाक रास्ता, इससे भाग जाओ मैं जाऊंगी। ये वो घर है जो हमारा टूट गया था, मतलब जो गौशाला होती थी, यहाँ नीचे हमारे खेत है। हाँ यहाँ से मम्मी गिरे थे, सिर सिर और पीठ इस पेड़ से, ये जो पेड़ है यहाँ से गिरे थे मम्मी यहाँ पे, बड़ा ही खतरनाक था। ये मैं एक बार पहले भी मम्मी के साथ उस जगह घास लेने जा चुकी हूँ जहाँ आज जा रही हूँ, बट मैं हाँ और मैं घास लेके आई थी उस टाइम, और फिर मैंने पहली बार ट्राई किया था कि दराट से घास कैसे काटना चाहिए, बट वो मेरे हाथ में दर्द हो गई थी। मम्मी ने बोला तू रहने दे बेटा, तुझसे ना हो पाएगा। और मम्मी मेरे को एक आइडिया दो, आइडिया क्या, मेरी ऑडियंस बोलती है ना, कई बोलते हैं मतलब मेरे को, कि आप अपनी अरकी की लैंग्वेज में बात किया करो, पहाड़ी बोली में, तब हम आपके व्लॉग्स ज्यादा इंटरेस्ट से देखेंगे। तो आज से आज का व्लॉग ही पहाड़ी में कर देते, ठीक है। मतलब एबू तो मैं स्टार्ट करना बोलना, हाँ। कि एबू आसर क्या, नहीं नहीं बाकी भी, हाँ ये भी सीन, मैंने उसको बोला था ये नहीं नहीं, हम आसर ये काफी इजी है, मतलब माखे लगोगे तो सारा समझ आ जाएगी, आसर ही भाषा काफी इजी है। तो फिर मैंने ये वाला हिंदी बोली हूँ, तो मैं तो इसके बोला था ये, अभी क्या पता किसी की समझ ही ना हो तो सी, तो तब दिक्कत हो जाएगी ना, तो मेरे व्लॉग्स दो तीन जना देखने जिना है समझ आने लग रही, बाकी जिना नहीं आओ तीना तो देखने नहीं तब। पर चलो सबकी सुनते हैं, तो हिंदी अनुवाद भी किया करेंगे बीच बीच में, और अपनी वो भी बोलती रहूंगी मैं पहाड़ी, और मेरी बाजू में बहुत ज्यादा दर्द होगी, तो जे आऊँ तो इतनी पहुँचनी ना, जित का बढ़ना है थी जाए क्या तो सहा मिलूंगी। बाई यहाँ पे जहाँ पे हम आए वहाँ का नाम क्या है बताओ? यहाँ का नाम है क्यार। क्यार क्यार, और नीचे जहाँ हम जाएंगे वहाँ का नाम है वाणी। वाणी, और ये है चंदन के पेड़। ये नहीं, वाओ मेरे सामने गाइस चंदन के पेड़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे चंदन का पेड़ है, कितना सुंदर है यार, कोई आना मत यहाँ पे चोरी करने चंदन का पेड़, ठीक है। इसको तो कामल बोलते हैं। कामल, एक ही चंदन का पेड़ है? नहीं,
कहाँ है दूसरा? हाँ इस जगह तो मैं पहले भी आई, पर मम्मी ने फिर मेरे को चंदन का पेड़ नहीं दिखाया था। क्यों नहीं दिखाया था उस टाइम आपने मेरे को चंदन का? बहुत छोटा था ना ये। अच्छा बहुत छोटा था उस टाइम, मतलब इतना टाइम पहले आई थी। और यहाँ भी देख सकते हो आप खेत ही खेत है, सबके खेत यहाँ पे, बस हमारे नहीं। यहाँ पे हमारे खेत हमारे घर के पास पास है सारे, और एक बहुत दूर जाके वहाँ तो हम बहुत ही कम जाते हैं, वहाँ का नाम है डगंजी। तो ए व्यस्ती थी पहुंची गए थे जेती आसा का वाड़ना है, मतलब का नहीं वाड़ना, ब्यूल छीनना है। इसी बार भी इतनी आसे ब्यूल कटा था, कटा नहीं था छीना था। और ये ब्यूल है, ब्यूल तो दिखाया नहीं मैंने आपको, दिखा देती हूँ ब्यूल। ये देखो ये होता है ब्यूल, इसके ऐसे पत्ते होते सुंदर सुंदर से, इसको बोलते हैं जूट। ठीक है ये होता है ब्यूल, मतलब जो हिमाचल के उनको तो सबको पता ही होगा कि ब्यूल क्या होता है। अर्की वाला ज्यादा अच्छे तो पता होना कि ब्यूल क्या हो, पर हिमाचल के भी अलग अलग जगह है तो उनमें से तो कईयों को पता नहीं होगा कि ब्यूल क्या होता है। हाँ क्योंकि नाम अलग अलग होते हैं, पर कई जगह उनने भी नहीं यार ब्यूल। ए बुआ रे कर देख लो, बुआ रे कर ब्यूल बहुत रेयर जी मिलो कि हाँ बस आए। तो इधर तो हमारे बहुत ज्यादा होते हैं, हमारे गांव में तो ब्यूल ही ब्यूल है हर जगह जहाँ भी देखोगे आप। ये देखो यहाँ पे मिस्टर भद्रकाली जा रहे ब्यूल छिंडे। हाँ वेरी गुड, गुम्बर ना लग जाए आपको। ये देखो मम्मी ने पहने हैं अपने ग्लव्स, अब बस राइडिंग पे जाएंगे। मैं काट रही हूँ घास। या कहाँ से काटोगे आप घास? मैं यहाँ नीचे काटूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ भी ना काटूंगी। ये देखो खेत ने ब्यूल छिड़ना स्टार्ट कर दिया है, इसके लिए आपको पेड़ पे चढ़ना पड़ता है बस। ये मेरा सबसे ज्यादा बड़ा डर लाइफ का कि पेड़ पे चढ़ो। पता है थालों पे बैठ देना जो नई छिनी उन्हें। हाँ ये देखो बस ऐसे काटा जाता है। वैसे लग रहा है कि मैं यहाँ सिर्फ व्लॉग बनाने आई हूँ, क्योंकि मेरे को एक दाची लाए एक दाच लाए, मतलब एक दराटी लाए एक दराट लाए, इतना तो समझ आ ही गया होगा। तो एक से ये लगा हुआ ब्यूल छीनने, एक से ये लगे हुए घास काटने, और मैं इधर व्लॉगिंग के लिए आई हूँ सिर्फ। नहीं वैसे घास उठा के ले जाऊंगी मैं, तो बीच में मेरा मन करेगा तो मैं कोशिश करूंगी कि दराट कैसे चलाते हैं, ये मेरे को सीखना है। क्योंकि सब कुछ आना चाहिए अगर आप एक गाँव में रहते हो, जरूरी नहीं है पर जरूरी भी है कि आपको आना तो चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही फ्री हूँ, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, तो माय वे ब्यूल संगेटना। ठीक ब्यूल कैसे संगेटते वो बताती हूँ आपको आज, मतलब ब्यूल कैसे संगेटते वो बताती हूँ आपको आज। क्या इसको क्या बोलते पांगटी, बड़ी बड़ी बड़े बड़े पांगटे थाले लगाने लगाई था। अच्छा पहले एक लचीले ब्यूल के पांगटे से बांध बनाए, ठीक है, फिर थोड़े थोड़े बड़े बड़े पांगटों को ऐसे नीचे लगाना है। बाण बनाना मैंने आई जाता है, मतलब मैं बना दूंगी, वैसे मुझे आता तो नहीं है, पर मैं बना दूंगी। एक दे देती हूं, I will try. अच्छा दे देती हूं बना के। इधर, ये इधर देख, इधर ऐसे पकड़ते हैं। हाँ और इसको बीच से चीरते हैं, ऐसे चीर चीर के ले जाते हैं, ऐसे बराबर होना चाहिए, पर नहीं तो फिर टूट जाता है ये। और ये बन गया बान, ये बान बन गया देख। देखा ये इसको बोलते हैं बान। ऐसे लगाना, ये ऐसे लगाना है और इसके ऊपर रखना है वो ब्यूल के बड़े बड़े पांगटे। ओके तो एक पांगटा ये रखा, हाँ दूसरा पांगटा ये रखा, पांगटा ही दिया था क्या बोलो, पांगटे है पांगटी। ये देखो ये ऊपर से चेतन ने काट दिए, पर ये अभी तक ऊपर ही लटके हुए। हाँ टहनी है ये, टहनी। ओके 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 या पकड़ लिया, या हिंदी भी नहीं आती भी ताकि क्या बन। ये मेरी बेइज्जती कर रहा है कि तेरे को हिंदी भी नहीं आती ढंग से, तो यार पांगटी थोड़ा बाकी लड़ना है, पांगटी हो गया भाई। हाँ मुझे हिंदी आती है, पर मुझे ये नहीं पता था कि पांगटी क्या होती है। अब मेरी माँ को 50 साल हो गए अपने भाषा बोलते हैं। ये बंदा पता भी पांगटी है क्या बोलते हैं। देखा मम्मी को भी नहीं पता, बेटी औलाद को क्या पता होगा आगे। मतलब बोलो तो आगे छड़ी लगी थी, छड़ी मम्मी पांगटी को छड़ी बोल रहे, वाह क्या बात है। ठीक है एक बार मम्मी यहाँ पे आए थे ना, तो इनको यहाँ पे ब्राग मिला था। ब्राग पता क्या होता है? टाइगर, टाइगर बाघ, मतलब बाघ टाइगर होता ना। कहते बड़ा तो इंग्लिश भी नहीं आती भाई, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो अपनी पहाड़ी लैंग्वेज भी नहीं आती अच्छे से। और तो छोड़ो बागल की भाषा में बोलते हैं, बागल की भाषा में ब्राग बोलते हैं, और जो की भाषा उसमें बाघ बोलते हैं।
देखो इतनी लगा दी है मैंने यहाँ पे पांगटिया टहनिया, ये इनको एक हाथ से लगाना तो बड़ा ही मुश्किल है, पर चलो व्लॉगर की जिंदगी ये है कि बस एक हाथ से काम करो, दूसरे हाथ से फोन पकड़ो। ये देखो एक एक करके हम सारी टहनियों को उठाएंगे और यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ बनेगी गाड़ी जिसको हम घर को ले जाएंगे। मेरे से बड़ी वाली गाड़ी तो नहीं उठाई जाएगी क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है, एक जिंदिया और छोटी छोटी आ भी रही हूँ मैं, कैसे घटिया सी वीडियो बना रहे हो आप। नहीं आ रही है, तू बोल सकती हो आप उसमें कमेंट्री कर दो। देखिए गाइस, देखिए गाइस एक ब्लॉगर की जिंदगी ब्लॉगर की मम्मी की जिंदगी ब्लॉगर की मम्मी की जिंदगी तो घास काटने दे रही भी बेटी, घास काटने में चली गई है ना। और एक ए ब्लॉगर का भाई आर्मी में है और आज दूर छीन रहा है, यहाँ अपनी भाषा में बात कर रही हूँ मैं, पर छीनने को काटना बोलते हैं। कोई नर्क नहीं जाएगा, इसे हम आपको वचन देते हैं कि हमारे राज्य में कोई। यहाँ पे देखो मम्मी पूरा घास एक एक करके चुग दिया पूरा, मतलब एक कभी नहीं छोड़ रहे। चढ़ ले मम्मी भाई सब कुछ कद की लगी तो साथ देखने, अभी आधा तो इधर छोड़ दिया इन्होंने, अभी सब कुछ देख कैसे हाथ से लेके आ रहे। आज नहीं छोड़ूंगी भी एक घास का टुकड़ा, मम्मी टाइम बहुत ज्यादा हो गया छोड़ दो अब। चलो, चलो। हाँ एक गाड़ी बांध दी परे, ये देख सकते हो आप ये बन चुकी है, ये बनने वाली है यहाँ पे, एक और बांध उसको ऐसे बांधी जाती है गाड़ी। सो मम्मी ने बोला कि मैं और चेतन लेके जाएंगे घास, मतलब मैं नहीं मम्मी और चेतन, कि हमारी व्लॉगर व्लॉग बनाते हो जाएगी तो मेरे तो मजे हो गए, मैं तो घास ही नहीं ले जा रही हूँ। मम्मी ने बोला कि तू कोटी वगैरह उठा लियो हमारी, जो हम कपड़े वगैरह लाए थे जो गरम गरम कपड़े हैं उनमें गुम्बर लग जाएंगे ना, इसलिए तो मेरा कपड़े उठा लिया होगा। हाँ इसलिए मैं इनके कपड़े उठाऊंगी और ये लोग लेके जाएंगे घास। और गुम्बर तो आपको पता ही होगा कि क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि गुम्बर क्या होता है। देखो यहाँ पे है गुम्बर, दिख रहे ये देखो, ये जब कहीं चुभते हैं ना, जैसे मान लो इधर चुभा दिए मैंने, फिर ये चिपक जाते हैं, फिर इनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। ये तो अभी आराम से निकल रही क्योंकि मैंने खुद चिपकाया है, पर ये देखो ऐसे फंस जाते हैं ये, इससे कपड़े फिर ख़राब हो जाते हैं, और ऐसे गर्म कपड़े हो तब तो ख़तरनाक ही चुभते हैं, इसलिए इनको अब हम मैं उठा के ले जाऊँगी घर तक आराम से। बहुत बड़े बड़े कपड़े, चेतन का मुंडासा है, कैसे पकड़ाऊंगी ब्लॉगर मोए हो गया यार, गाइस मोए हो गया, ले पकड़े ये मोए। एक व्लॉगर के साथ मोए हो गया क्योंकि इतना कुछ उठा लिया था हाथ में, मुंडासा कैसे पकड़ो। और मुंडासा होता है जो सिर पे रखते हैं, मैं भी लाई थी खुद के लिए मुंडासा छोटू सा धाठू का, बट मैं इसको लगा नहीं पाई क्योंकि मैं तो घास लेके नहीं जा रही हूँ, मोए। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे लगाया जाता है धाठू। धाठू वाला कल्चर हमारे इतना ज्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं तो लगाऊंगी, आई लव धाठू। क्या है लो दस्ताने पाए दे, चार दे दे दस्ताने आ गए मम्मी के, चाबी भी दे दे खसे दे। ओके ये है ऐसे और ऐसे लग गया धाठू। ऐसे सोचा था मैंने कि मैं घास ऐसे धाठू पे ऐसे उठा के ले जाऊंगी, पर मुझे तो घास ही उठाने को नहीं मिला, मोए हो गया मेरे साथ। अब मैं इनको ही ले जाऊंगी सामान को सारे को। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो एक मजदूर आ चुका है, दूसरा मजदूर आ रहा है, मैं भी हूँ मजदूर, ऐसे घास उठाने वाला नहीं हूँ बट कपड़े उठाने वाला मजदूर हूँ। ये मेरे दो मालिक हैं, इनके कपड़े मैं नौकरानी लेके जा रही हूँ। जाओ अब मैं चलूँ आपके आगे, चलती हूँ मैं।
मैं बिल्कुल अपर पहाड़ होनी चाहिए थी ना, फिर मैं ऐसे रहा करना था, मैंने धाटू पहन के बढ़िया ऐसे भी रहती हूँ मैं, बट हमारे गांव में कोई पहनता नहीं ना, मुझे ये शौक ज़्यादा ही कुछ धाटू पहनने का, क्योंकि हम लोअर हिमाचल में आते हैं तो यहाँ का कल्चर कुछ उतना ऐसा नहीं है। और इतने सुंदर खेत है ना यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ना जुगाली होती थी, जुगाली क्या होती है वो बताती हूँ मैं आपको। एक पेड़ होता है, उस पेड़ में एक झोंपड़ी नहीं यार, उस पेड़ में एक लकड़ी का कुछ बनाया जाता है, ठीक है, और अपने खेतों की रखवाली करने के लिए रात को उस जगह पे रहते हैं, बढ़िया सजाते हैं उस जगह को, मतलब कंबल वगैरह रखते हैं वहाँ पे, पटाखे वगैरह रखते हैं ताकि कोई जानवर, जंगली जानवर आपके खेतों में कुछ भी जो आपने फसल उगाई वो खा ना सके, इसलिए बनाई जाती जुगाली। और जुगाली करते जुगाली में रह के, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब मेरे घर में तो कभी बनाई नहीं ना, हमारे खेतों में कभी बनाई, क्योंकि हमारे खेत तो बहुत नज़दीक थे घर से। हाँ पहले बनाते थे, मम्मी बोले पहले बनाते थे, तो उसके बाद मैं औरों की जुगाली देखती थी ना जब खेतों में, मेरे को ऐसा लगता कि वाह कितनी अच्छी वो है, एक टाइप से वो ट्री हाउस होता है, तो मुझे तो ट्री हाउस बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी यहाँ पे है नहीं है तो मैं आपको दिखा देती कि कहाँ है। ये देखो पीछे मेरे चंदन का पेड़, पहली बार देखा मैंने भी, और यहाँ एक भी जुगाली नहीं है फिलहाल, पहले होती थी बहुत सारी। तो कभी मौका मिलेगा आपको देखनी होगी जुगाली तो मैं दिखाऊंगी कैसी होती है। हाँ ट्री हाउस होता है बट उतना अच्छा नहीं होता। हाय है, हाँ है आगे जुगाली। मैं आपको दिखाती हूँ जुगाली क्या होती है, ठीक है। देखो मम्मी मेरा वेट कर लेना, मेरे को डर लगता है। हाँ वेट करना प्लीज़, मैं आप लोगों को जुगाली दिखाती हूँ। ये देखो खेत है ना, खेतों में आते हैं जंगली जानवर, उन जंगली जानवरों से खेतों की फसल को बचाने के लिए बनाए जाते हैं ऐसे घर, घर तो क्या जुगाली, ठीक है। और यहाँ पे देखो शेज है, गोबर की होती है ये, इसको हम खेतों में फेंकते हैं, गाय के गोबर की होती है। और ये है जुगाली, इसमें रहते हैं लोग रात को जिनका खेत होता है। और मुझे लग रहा है इसमें कुछ तो है, ये देखो ये जुगाली। अभी इसका थोड़ा बुरा हाल है, वैसे अच्छी बनाई जाती है रहने लायक, इसमें इंसान रहते हैं और खेतों की रखवाली करते हैं। या बाय बाय जुगाली, इसमें रहने का मेरे को बहुत शौक था बचपन से। मैंने आपको बताया ना कि हम कभी रह नहीं पाए जुगाली में, पर कितना अच्छा वो होता है ना कि रात को बहुत सारे फ्रेंड्स तो क्या सिबलिंग्स ही हो, कजन्स वगैरह, और वो जुगाली में और इंजॉय कर रहे हैं, और मतलब डर तो लगता ही होगा वैसे रात को, ऑब्वियसली लगेगा, बट वो जो इंजॉय होगा ना कितना मज़ा आएगा, मतलब गेम्स वगैरह खेलेंगे या कुछ भी। ये मेरे बचपन के थोड़े छोटे मोटे शौक थे जो कि कभी पूरे ही नहीं हुए, बट अब मैं सोचती हूँ कि अब मैं उन शौक को पता कैसे पूरा करूँगी, मैं एक ट्री हाउस बनवाऊँगी अपने खेत में, जो कि मेरी गौशाला से नज़दीक वाला खेत है वहाँ पे, और मैं वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया करूँगी अकेले, बहुत मज़ा आएगा। हाँ जी गाँव में इतने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ है, ठीक है, हर जगह ही होते हैं, बट इन पेड़ों पे चढ़ के घास भी काटा जाता है, सोचो कितनी बड़ी बात है। ये काम मुझे बहुत रिस्की लगता है, पेड़ पे चढ़ के घास काटने वाला, क्योंकि मुझे तो यही डर लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, और औरों का भी मुझे यही डर रहता है, जैसे मम्मी गिर गए थे कुछ टाइम पहले, मम्मी तो थोड़े छोटे से पेड़ से गिरेगी, थोड़ी ज़्यादा चोट नहीं लगी मम्मी को, बट अगर सोचो इतने बड़े पेड़ से कोई गिर जाए तो कितना गंदा वाला सीन हो जाएगा, तो मुझे ऐसे कामों से थोड़ा डर भी लगता है। एक तो मेरे को पेड़ पे चढ़ना तो आ ही जाता है, बट उतरना मुझे नहीं आता, उतरा नहीं जाता मेरे से, इसलिए मैं थोड़ा इस काम से डरती हूँ, और मैंने ट्राई भी नहीं किया वैसे। आज मैं बोल रही थी ना कि ट्राई करूँगी कि दराट से घास कैसे काटा जाता है, पर मैंने नहीं किया ट्राई, व्लॉगिंग में ही ऐसी बिजी होगी मैं। और मम्मी ने बोला कि जल्दी जल्दी चलो, काम वाले आए घर पे, तो उनके लिए खाना भी बनाना है मैंने, तो हम वैसे ही आ गए जल्दी जल्दी। फाइनली मैं घर पहुँच गई और बहुत थक गई मैं, लाई भी नहीं मैं घास उठा के, फिर भी मैं थक गई क्योंकि इतना ज़्यादा चढ़ाई थी ना चढ़ने के लिए। तो अभी मम्मी ने बोला कि बर्तन धो दे, तो मैं बर्तन धो देती हूँ।